जुपिटर बलेट्री की तरफ से आपको लोटे जो आपके आपका जो लड़का है वो आपका लेखा परीक्षक और सहायक लेखा परीक्षक के लिए शॉर्टलिस्टिंग जारी करेगी। और इस परीक्षा में भी मुख्य सेविका आपने आपको देखा होगा जितने बच्चे अप्लाई किए थे वो सारे के सारे ही क्या हुए पेपर में बैठने के लिए यहाँ पे अलाउ कर दिए गए। एक बात समझिएगा आप लोग कि जो पीएटी का मतलब है उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि केवल वो 12 और 15 गुना बुलाने के लिए पीएटी बनाया गया। नहीं, पीएटी का मतलब ये था कि जब मुख्य परीक्षाएं होती हैं तो हर मुख्य परीक्षा में लाखों लाख बच्चे बैठते थे, उसमें क्या होती थी परीक्षा कराने में समस्या होती थी। तो अब उन्होंने क्या किया था कि एक प्राथमिक चरण क्या कर लेंगे पीएटी करा लेंगे, दूसरे में एक ऑप्टिमम संख्या एक बोल सकते कि बैलेंस संख्या में बच्चों को क्या किया जाएगा बैठने का मौका दिया जाएगा। यदि बच्चे बहुत ज्यादा हैं तो उनको लगभग 12 से 15 गुना या 15 गुना बोला जाता है, और अगर बच्चों की संख्या कम है तो फिर 15 गुना कोई जरूरी नहीं है, तो जितने बच्चे होंगे सबको क्या कर लिया जाता है बुला लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेखा परीक्षक सहायक लेखा परीक्षक में जितने भी बच्चे थे सबको बुला लिया गया था, लगभग 530 बच्चे थे और 530 पद था, और इन 530 पद पे 6593 बच्चों ने क्या किया था अप्लाई किया था। आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी में जो स्पेशल डिग्री के पोस्ट आ रहे हैं उनमें बच्चे अप्लाई बहुत कम कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो इसलिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं अर्हता होने के बाद भी ये सोचते हैं कि शायद मैं शॉर्टलिस्ट हो ही ना पाऊं, और ऐसे में एक बड़ी संख्या में बच्चे क्या करते हैं मेंस का फॉर्म नहीं भरते हैं या घबराए हुए होते हैं और बाद में सारे बच्चों को मौका मिल जाता है। तो एक बात समझिएगा बच्चों कि आप लोग अगर कोई पेपर आता है तो ये सोच के मत घबरा के पेपर ना भरा करिए या फॉर्म ना भरा करिए कि आप उसमें सेलेक्ट ही नहीं होंगे, हो सकता है कि चांसेस बने और आप सेलेक्ट हो जाएं। अगर आप यहाँ पे देखिए 530 पद था और 15 गुना बुलाया जाए तो 15×25=75 लगभग 7,500 बच्चों को बुलाना चाहिए। भाई 7,500 बच्चे भी नहीं मिले, केवल 6,500 बच्चे मिले तो सारे के सारे को बुला लिया गया। ऐसे ही 2693 पद पे जब मुख्य सेविका की पोस्ट आई थी तो उसमें स्पेशल पद पे केवल कितने लोग अप्लाई कर पाए थे, 45,000 लोग अप्लाई कर पाए थे। हालांकि वहां पे केवल महिलाएं थी तो स्वाभाविक रूप से था वहां पे संख्या कम ज्यादा, अगर पुरुष भी होते तो वो संख्या बहुत ज्यादा होती, लेकिन यहाँ पे तो महिला और पुरुष सबके लिए था, फिर भी 6,593 थे। तो सबके सबको जो भी पॉजिटिव नंबर मतलब पीएटी में 0 नंबर से अधिक पाए हैं सबको यहाँ पे क्या कर दिया गया है बैठने के लिए मौका दे दिया गया है। मतलब ऐसे बच्चों के लिए एक तरीके से बोला जाए तो पीएटी बेकार हो गया, उन्होंने उनको यही परीक्षा देने के लिए एक बार पीटी देना पड़ा और दोबारा अब ये इसकी तो परीक्षा देंगे ही देंगे, कंपटीशन तो उतना ही है, तो इस संदर्भ में पीटी का तो कोई मतलब ही नहीं निकला और इसी बात की तो बेवकूफी आयोग करता ही आ रहा है। तो पीटी को वो सही से शायद यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। हालांकि मेरा उद्देश्य यहाँ पे पीटी को सही या गलत बताने का नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको ये बताने का है कि जिस प्रकार आपका लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार में हुआ है ऐसे ही एक बहुत अच्छी वैकेंसी आपका फिर से जूनियर असिस्टेंट की आई है, कनिष्ठ सहायक की या फिर कनिष्ठ लिपिक की आप बोल सकते हो, दोनों में से अलग अलग विभिन्न विभिन्न पदों पे एक साथ वैकेंसीज आती हैं यूपी ट्रिपल एससी के तरीके से की तरफ से और हर साल लगभग ये वैकेंसी आती है। इतिहास में सर्वाधिक वैकेंसी अगर देखा जाए तो 5500 वैकेंसी ये है, शायद ऐसी वैकेंसी इतनी ज्यादा वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कनिष्ठ सहायक की एक बार में दोबारा ना आए। पहले जो वैकेंसी थी टोटल 3831 थी, अब कितना हो गया 5512 हो गया है। और अगर 5512 पे शॉर्टलिस्टिंग की बात किया जाए हम उनके नियम के अनुसार चलें तो 15 गुना वो बोलते हैं और जो नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं उनके 2 डिजिट तक केवल लिया जाता है, तो ये 15 गुना 18 या 20 गुना पहुंच जाता है। मतलब अगर 5512 वैकेंसी और इसका 15 या 18 गुना लिया जाएगा तो ये करीबन 1,99,000 से 1,00,000 के पास जाएगा। आपको याद हो कि लेखपाल में लगभग 8,085 पद थे, वो पीएटी 2021 के आधार पे हुआ था और वहां पे जो शॉर्टलिस्टिंग गई थी वो 63-64 नंबर गई थी। मतलब कि पीएटी के स्कोर कार्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जो नंबर था वो 63-64 नंबर था। सिमिलरली सेम सीनेरियो आपका यहाँ पे भी बन रहा है और यहाँ पे भी अगर बोला जाए तो 66-67 नंबर पाने वाले बच्चे जो होंगे जूनियर असिस्टेंट में पीटी 2022 के आधार पे वो सारे शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 अक्टूबर
लास्ट डेट जो है वो 3 अक्टूबर है, तो आप लोग बाद में पछताने को ना रहे इस कारण से इसका फॉर्म भर लीजिए। इसका पैटर्न भी बदला जा चुका है, पैटर्न पहले जैसा नहीं है, जहां पे केवल एक सेगमेंट के बच्चे को फायदा मिल जाए। हिंदी आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के हैं, रीजनिंग आपका 15 क्वेश्चन 15 नंबर का है, जीएस आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है, कंप्यूटर की हर जगह प्रयोग होता है तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर का है, और आपका जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है वो 20 क्वेश्चन 20 नंबर का है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटे का होगा, 1/4 निगेटिव होगा, इस हिसाब से आपका पैटर्न है। टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन इसकी टेस्ट सीरीज, एक पीडीएफ बैच चला रखी है। इसके लिए हम लाइव क्लासेस तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यूपी ट्रिपल एससी इसका पेपर बहुत जल्दी करा ले, इस कारण से हम आपको सुविधाजनक केवल क्या दे रहे हैं, पीडीएफ बैच इसके लिए लेके आए हैं। और ये पीडीएफ बैच बहुत ही कम शुल्क में है, 499 रुपए या और भी कम। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है इस चीज को देख ले, इसमें सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं इसकी बहुत बेहतरीन आपको नोट्स मिल रहे हैं, इसमें आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस पीडीएफ मिल रही है, इसमें आपको क्या मिल रहा है, इसमें 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, पूरी टेस्ट सीरीज इसकी मिल रही है, एमसीक्यू प्रैक्टिस तो आपको मिल ही रहा है, नोट्स आपको मिल रहा है, फिर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको इसकी वीडियोस भी दी जा रही है। तो एक बहुत ही बेहतरीन बैच आपका ये जूनियर असिस्टेंट का परीक्षा प्लस के ऐप पे चल रहा है। आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लें, वहां से इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप अभी तक जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म ना भरे हो तो फॉर्म आप अवश्य भर लीजिए जूनियर असिस्टेंट का, बहुत ही अच्छा चांस है आप सभी के लिए, एक लेखपाल वाला ही चांस है मान के चलिए। स्पेशली खासकर ऐसे बच्चे जिनको टाइपिंग आती है वही बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप हमसे चाहते हो कि नहीं इसका पूरा लाइव क्लासेस, इसका कंटिन्यू क्लासेस चलाया जाए, तो टीम परीक्षा प्लस आप कमेंट में मुझे अवश्य बताइए कि हाँ सर मुझे टारगेट बैच चाहिए इसके लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए, टीम परीक्षा प्लस इस पर विचार करके आपके, लेकिन जब आपका रुझान आएगा तभी इसका लाइव क्लासेस चलाएगी, अन्यथा आपका जो पीडीएफ क्लासेस है और आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसको लॉन्च कर दिया है, परीक्षा प्लस ऐप से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।